हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, यहाँ पे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है जिसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 200-250 वैकेंसी है, फिर भी इसको अप्लाई करना चाहिए आपको। आपके पास अगर ITI और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, वीडियो एंड तक देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक करके जाइए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन हो सके और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने में बहुत आसान रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रिपरेशन करता हूँ, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है सारे इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है हैवी वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इससे पहले भी एटॉमिक एनर्जी का वैकेंसी निकल के आया था, जो आपके मुंबई कल्पकॉम से आया था चेन्नई से, तो वो भी देखा नहीं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी जाके देखिए और मेरा चैनल में जाइए। ऐसे एटॉमिक एनर्जी, इसरो, DRDO, कई सारा गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन है आपको कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो चलिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो जॉब लोकेशन है वो मुंबई में है दोस्तों, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है कुछ कुछ लोकेशन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो केमिकल ब्रांच का है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और केमिस्ट्री और बायोसाइंस का वैकेंसी है। ये जो क्वालिफिकेशन है ये दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रखा गया है, इतना सारा जितना है 5 वैकेंसी वो डिप्लोमा क्वालिफिकेशन के लिए है। यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा है, केमिकल का 35 है, मैकेनिकल का 16 है, इलेक्ट्रिकल का 8 वैकेंसी है और केमिस्ट्री का 1 वैकेंसी है, बायोसाइंस का 3 वैकेंसी है। ये दोस्तों डिप्लोमा का था, कैटेगरी 2 में जो आता है, ये कैटेगरी 2 में देख सकते हो। कैटेगरी 2 के लिए ये सारे आपकी 10th क्वालिफिकेशन और जो है 10th और ITI डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर जो है, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर है, वो ओनली HSC 10th क्वालिफिकेशन साइंस में। और दोस्तों यहाँ पे 60% अबव होना चाहिए आपके मार्क, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 60 रखा गया, ओनली 10th क्वालिफिकेशन, 10th प्लस 2 12th होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल आता है वो आता है आपकी ITI कैंडिडेट के लिए। दोस्तों यहाँ पे ITI सारे हैं, 28 पोस्ट है, मैकेनिकल फिटर का 34 पोस्ट है, टर्नर का 4 पोस्ट है, मशीनिस्ट का 5 पोस्ट है, वेल्डर का 6 पोस्ट है। दोस्तों इसी तरह के में आपके बहुत सारा ड्राफ्ट्समैन का 2 पोस्ट है, इसको दोस्तों ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। इसका जो आपको एज लिमिट रखा जाएगा, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 ईयर तक आप ट्रेनिंग 1 का, जो कैटेगरी 1 का है, और कैटेगरी 2 का जो है वो 18 से 22 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसके ये थोड़ा एज का बहुत कम रखा गया है, इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस रखा जाएगा ओनली फर्स्ट रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो आपको ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको करा जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसमें आपकी जो एवरेज निकल जाएगा, निकलने के बाद आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम बात करें तो सैलरी के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे 2 ईयर आपकी ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ट्रेनिंग के बाद फिर आप उसको आपकी परमानेंट हो जाओगी, परमानेंट होगी उसके बाद आपकी 7th पे वाइज पे स्केल लगेगा। ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर में आपकी 16,000 कैटेगरी 1 में, और सेकेंड ईयर में 18,000, कैटेगरी 2 में 10,500, सेकेंड ईयर में 12,000 5 ईयर। उसके बाद दोस्तों ज्वाइनिंग जब परमानेंटली आपकी हो जाएगा, उसी हिसाब में आपकी 7th पे वाइज पहले मैट्रिक्स वो लग जाएगा, पे मैट्रिक्स 7 और पे मैट्रिक्स 3-4 लग जाएगा दोस्तों। उसी हिसाब में दोस्तों एग्जाम सेंटर के बात करें तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए एग्जाम सेंटर मुंबई में है, और यहाँ पे कोटा में है, चेन्नई में है,
और भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, पांच लोकेशन में आपके एग्जाम सेंटर है। तो आपको जहाँ पे सुइटेबल लगता है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए और आप एग्जाम दे दीजिए। यहाँ पे कई सारा पांच सेंटर है तो वो अच्छा रहेगा आपको एग्जाम देने के लिए। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, hwbheavywaterboard.gov.in। आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन को जाके आपको इसको अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मुझे लग रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 26/5/26 मई से, और यहाँ पे 25 जून तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा गया है। लास्ट डेट यहाँ पे पूरा 1 मंथ मतलब 30 डेज आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपीज़ ओनली पे करना पड़ेगा, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ्री, पूरा टोटल फ्री है। तो इसको जरूर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।